इस आदमी ने छोटी छोटी बच्चियों के साथ गार्डन में बदतमीजी करी है। ये देखिए ये यहाँ फ्लैट में रहने आया है और योगाचार्य बना जा रहा है अपने आप को। योगाचार्य बनकर नाबालिग बालिकाओं के साथ अश्लील हरकत करना उन्हें भारी पड़ गया। स्थानीय नागरिकों और महिलाओं ने उस योगाचार्य की जमकर पिटाई कर दी। इस आदमी ने छोटी छोटी बच्चियों के साथ गार्डन में बदतमीजी करी है। ये देखिए ये यहाँ फ्लैट में रहने आया है और योगाचार्य बना जा रहा है अपने आप को। कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने वहाँ के महापौर विनोद अग्रवाल से इस बाबत शिकायत की, लेकिन विनोद अग्रवाल ने इसे ज्यादा तरजीह नहीं दी। इस कारण वहां की महिलाएं और लोगों ने महापौर के खिलाफ बयानबाजी करना शुरू कर दिया। महापौर के बोर्ड पर काली पोत दी। नहीं तो होंगे तो सही घर वाले। अंजू अभी फोन करो। अंजू आई नहीं। ये थोड़ी ना कह के छोड़ दोगे कि आप करो। पहले तो जिसने रखा है पहले वो एक्शन लेगा इसके लिए। जिसने रखा है वो एक्शन लेगा, सीधी सी बात। नहीं घटने से मतलब नहीं होती, जिसने रखा है पहले वो एक्शन लेगा। कॉलोनी के बच्चे के संग हुई है ये भी तो सोचिए ना। कॉलोनी के बच्चे हुए हैं और बच्चे की मानसिक स्थिति को समझिए अंकल जी। नहीं आप तो गलत बात बोल रहे हो, ये कोई तरीका थोड़ी ना। बिल्कुल गलत बात बोल रहे हो। आप बताओ, आप वीडियो में डालकर बताओ कि ये बात सही है या गलत है। आपके यहाँ भी लेडीज खड़ी हुई है, बात खड़ी करके पूछिए सही बोल रहे हैं कि गलत है। मोस्टली तो भारी होते हैं अध्यक्ष जी का लगा तो होगा अंकल जी आपके पास। हम आपसे कहने आए हैं आप बताएं। इसका मतलब तो अगर लेडीजों को ये सब काम करना है फिर क्या जरूरत किसी और की। ये बताइए जब आप हमसे आपने अध्यक्ष जी का नंबर है जब पुलिस को भी हमें ही बुलाना है, अध्यक्ष जी को भी हम ही बुलाएंगे। ये क्या तरीका हुआ? तो आप जैसे मैं कॉलोनीवासी हो जैसे आप कॉलोनीवासी हो। नहीं आप आप नहीं रहे किस बात आप माँ कह रहे भैया। नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है। आप करो इस वजह से आए हम ऐसे थोड़ी आते हैं। अगर आप मान लीजिए साधारण मेंबर इस चीज पे किसी और लड़की को डाल कर देख लो कर बस ये कहिए ना ऐसे थोड़ी ना। आप करो और ये झूठ और बोल रहा है ना कैमरे के रिकॉर्डिंग कर रहा। इतना ही नहीं कॉलोनी के लोगों ने वहां के पुलिस को ही बंधक बना दिया। महिलाओं ने कहा कि यदि अच्छे कॉलोनी में वह सुरक्षा की दृष्टि से रहते हैं, अगर वहां उनकी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो ऐसे में क्या किया जाए। मामले को तुल पकड़ता हुआ देख मौके पर पहुंचे सीईओ सिटी प्रवीण मलिक एवं इंस्पेक्टर ने किसी तरीके से लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत किया। समिति के अध्यक्ष अरविंद द्वारा आरोपी के खिलाफ दी गई तहरीर पर थाना गोविंद नगर में मुकदमा दर्ज कर लिया है।